We are studying the first chapter of English Reader, A Letter to God written by G.L. Fuentes. Students, हम पढ़ रहे हैं लेंचो के बारे में और टुडे वी विल रीड द लास्ट स्टेंजा ऑफ द स्टोरी. लेट्स रीड. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. अभी हमने पढ़ा था कि लेंचो को लेटर मिल जाता है और उसको 70 पीसोज मिल जाते हैं. अब 70 पीसोज मिलने के बाद क्या होता है कि इमीडिएटली यानी जल्दी से लेंचो वेंट टू द विंडो, पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है, विंडो पर जाता है और किसके लिए पूछता है, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, इंक और पेपर के लिए पूछता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल क्या होती है, जो पोस्ट ऑफिस पे जहां पर लोग लेटर पोस्ट करते हैं वहां पर टेबल होती है, उस पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रोज यानी कि जो भौहें थीं उनको तान कर या उनको सिकोड़ते हुए उसने लिखा. कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो अपने जो विचार थे उनको एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए अपनी भौहों को उसने सिकोड़ लिया था. व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पर गया, टू बाय अ स्टाम्प, वहाँ से एक स्टाम्प खरीदी, टिकट खरीदी, विच ही लिक्ड, लिक्ड कहते हैं थूक लगाना, इसको चाटना, उसने उसको थूक लगाया, एंड देन अफिक्स्ड, और उसको फिक्स कर दिया यानी चिपका दिया, टू द एनवलप, एनवलप पर, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से उसको मुक्का मार के उसको दबा दिया यानी फिक्स कर दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और उसी मोमेंट उसी क्षण उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तभी उसके बाद उसको वहाँ गया और उसने वो पोस्ट मेल पोस्ट जो बॉक्स था वो खोला और वो लेटर निकाला. इट सेड, उसने लिखा था, कहा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, जिन पैसों के लिए मैंने आपसे कहा था भगवान, मेरे पास केवल 70 पीसोज ही पहुँचे. सेंड मी द रेस्ट्रेंस, मेरे को बची हुई मनी भेजिए. आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इन पैसों को आप मेल के थ्रू मेरे पास नहीं भेजना. बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, उसने कहा जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो बहुत, बंच ऑफ क्रूक्स मीन से बेईमान, वो बहुत बेईमान है. और लास्ट में अपना नाम लिखा लेंचो. सो स्टूडेंट्स, हमने ये लास्ट स्टेंजा पढ़ा और कंप्लीट स्टोरी हमने पढ़ी कि जो लेंचो है वो बहुत ही सिंपल हार्टेड, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है, जिसने बहुत मेहनत से अपनी क्रॉप्स को उगाया और जब बारिश हुई तो वहाँ पर हेल स्टोन से पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, जिससे दुखी होकर उसने गॉड को लेटर लिखा कि मुझे आप 100 पीसोस दीजिए जब तक मेरी दूसरी फसल उग कर नहीं आती है. और इसके लिए उसने गॉड को लेटर लिखा, जिसमें पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर थे उसने उस लेटर को रिसीव किया और उसकी मदद के लिए उसके लिए कुछ मनी कलेक्ट की. तो 100 पीसोस वो नहीं कर पाए, 70 पीसोस उन्होंने उसके लिए कलेक्ट किए. लेकिन 70 पीसोस जब लेंचो को मिले, तो उसके मिलने के बाद, क्योंकि ही वॉज वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, तो उसने सोचा कि गॉड ने मुझे 70 पीसोस क्यों दिए, या गॉड ऐसा नहीं कर सकते. तो उसने दोबारा से फिर लेटर लिखा कि गॉड, जो रेस्ट मनी है, जो 30 पीसोस बचे हैं, वो मुझे दोबारा भेजिए, और वो मुझे मेल के थ्रू नहीं भेजना, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसका शक एम्प्लॉयज़ पे था कि शायद जो बाकी पैसे हैं लोग खा गए होंगे, ये बेईमान हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, तो आप मेल के थ्रू ना भेजकर ये डायरेक्ट मेरे को दीजिए. और इस तरह से उसने लेटर में लिखा. तो ये थी हमारी स्टोरी, अ लेटर टू गॉड. थैंक यू.